हाई, वेलकम बैक. दिस इज दीपक. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो आज की वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम आ रहे हैं और जिनको थोड़ा 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 प्रेशर लग रहा है, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है. सो उसके लिए ये वीडियो है. सो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर कुछ इससे अलावा कुछ चीज़ें बात करें तो देखो यार, जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर है ना, वो कहीं ना कहीं 7 से 8 महीने में ही ख़त्म हो जाएगी. इसका कारण ये है कि तुम्हारा सेशन लेट स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है, नवंबर के, मतलब नवंबर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जबकि ये जुलाई वाला सेशन होता है, इसलिए लेट स्टार्ट हुआ है. तो ये कोशिश करेंगे कि 7 से 8 महीने में तुम्हारा ये फर्स्ट ईयर ही ख़त्म कर देंगे. तो इसके अंदर आते हैं बहुत सारे प्रेशर्स. प्रेशर की बात करें, जैसे अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई है, 10 से 15 दिन आप क्लासेस लगाए हो और आपके आगे हैं माइनर, आपके आगे माइनर वन. देखो तो ये माइनर वन और टू, ये दो होते हैं जिसे हम मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो दोनों जो होते हैं माइनर होते हैं, ये 1 महीने के बीच बीच में होते हैं. तो जैसे कि लेकिन जो स्टार्ट हुआ है पहला, वो जो पहला माइनर है, वो आपका शायद 20 दिनों के अंदर ही माइनर, 20 दिन के अंदर माइनर हो रहा है. तो रीज़न यही है कि टाइम उनके पास कम है और जल्दी जल्दी तुम्हारा फर्स्ट ईयर ख़त्म करना चाहते हैं. ऐसे में स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि कैसे आप कवर अप करें. ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको. जैसे जो माइनर एक एग्ज़ाम होता है, वो होता है 20 मार्क्स का, ठीक है, और दोनों का होता है 20 प्लस 20. 40 मार्क्स का तुम्हारे माइनर्स होते हैं, ठीक है, 50 मार्क्स का तुम्हारा एंड सम एग्ज़ाम होता है, और 10 मार्क्स तुम्हारी असेसमेंट लगती है. ठीक है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, माइनर पे. माइनर देखो क्या चीज़ है, जो माइनर है या मिड सेम एग्ज़ाम बोल लो, ये तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे नंबर्स को इंक्रीज करने में, क्योंकि यहाँ पे होता है सिलेबस कम. यहाँ पे सिलेबस कम होता है और तुम काफ़ी अच्छा कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, अच्छा कर सकते हो. और ट्राई ट्राई करो कि अगर तुम्हारा माइनर है, ठीक है, अगर तुम फर्स्ट माइनर दे रहे हो, ठीक है, फर्स्ट माइनर अगर है, तो कम से कम यहाँ पे 15 प्लस स्कोर करो. अगर तुम यहाँ पे स्टार्टिंग में दोनों माइनर में 15 प्लस स्कोर करते हो ना, तो एक तो तुम्हारी सीजीपीए काफ़ी अच्छी रहेगी और उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी जो स्टूडेंट ब्रांच अपग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ के लिए ध्यान रखो. कैसे कर सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो सिलेबस कम होता है. माइनर वन माइनर टू में सिलेबस हाफ होता है. पहले जितना पोर्शन कवर कराया जाएगा उसके अंदर ये पूछ माइनर वन में पूछा जाएगा, उसी उसी तरह माइनर टू में बाकी का पोर्शन पूछा जाएगा. ठीक है, जो बाकी रेस्ट ऑफ द जो सिलेबस बचा था वो चीज़ पूछी जाती है. और टोटल का होता है तुम्हारा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम. एंड सम एग्ज़ाम देखो यार, अगर तुम दोनों माइनर ख़राब कर चुके हो ना, तो एंड सम एग्ज़ाम में थोड़ा टफ हो जाता है स्कोर करना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास पूरा होल सिलेबस होता है और होल सिलेबस पढ़ना एक काफ़ी टफ हो जाता है. लेकिन अगर तुम माइनर में 15 प्लस लेके आ रहे हो, ठीक है, अगर माइनर में तुम 15 प्लस लेके आ रहे हो ना, तो ये आपके लिए बेनिफिट है. ठीक है, 15 प्लस प्लस अगर 30 हो गए, ठीक है, और अगर तुम एंड सम जो एग्ज़ाम है, अगर 50 मार्क्स का अगर तुम 40 अंक कर रहे हो, तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा ग्रेड बन सकता है. ठीक है, और ये चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी सीजीपीए में ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए. ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स मतलब प्रेशर है उन सबको, तो उस चीज़ ट्राई करो यार कि इन पे फोकस करो. ठीक है, ठीक है, माइनर वन टू, माइनर वन टू जो है, ये तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे स्कोर को इंक्रीज करने में. कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो ध्यान दो यार कि क्लास में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ना, ठीक है, क्लासेस को रेगुलर अटेंड करो. ठीक है, क्लासेस को रेगुलर अटेंड करो और कोशिश करो नोट्स बनाने की. ठीक है, जो चीज़ तुम्हें वहाँ पढ़ाई जा रही है उसके नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ. अगर तुम्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि देखो यार क्लासेस का बहुत ज़्यादा शेड्यूल होता है, 8:30 से 5:30 बजे तक तुम्हारी क्लास होती है, उसमें लैब होती है, असाइनमेंट वाइवा सब कुछ होता है. तो इस चीज़ को कैसे कवर कर सकते हो, कि देखो 80% तो तुम क्लास में ही कवर अप कर सकते हो अगर तुम क्लास को प्रॉपर अटेंड करते हो, रेगुलर क्लासेस जाते हो. ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, ये तुम ध्यान रखना. ठीक है, ये चीज़ अटेंडेंस तुम्हारी होनी चाहिए. ये चीज़ तो हो गई. अब दूसरी चीज़ होती है कि नोट्स बनाओ प्रॉपर. ठीक है, अगर जो चीज़ तुम्हें क्लास में समझ में नहीं आ रही, आके यूट्यूब पे पढ़ो. ठीक है, यूट्यूब पे तुम्हें काफ़ी अच्छा मटेरियल्स मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल एनपीटीईएल जो होते हैं, इनके अच्छे नोट्स होते हैं, और बाकी यार कई सारे यूट्यूबर्स हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो तुम्हें मैथमेटिक्स को मिल जाएगी तुम्हें. ठीक है, फिजिक्स अच्छा, फिजिक्स के भी मिल सकते हैं. ठीक है, और बीएससी रह जाती है, तो ये तो थोड़ा देखो फिजिक्स,
फिजिक्स और मैथ हो जाता है टफ, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ना ये थोड़ा टफ हो जाता है, इसको क्लियर कर लेना अच्छे से, इसको पढ़ना रेगुलर रेगुलर, इसके नोट्स बना के, वरना अगर नाम अगर क्लास में कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही अपने फ्रेंड से पूछो, अगर फ्रेंड से पूछ नहीं समझ आ रही तो आप इसके नोट्स बनाओ और गूगल पे अथवा यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है, यूट्यूब से तुम्हें काफ़ी यहाँ पे हेल्प करेगी, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाता है और मोस्टली स्टूडेंट्स की इसी में बैक लगती है, तो ये चीज़ दोनों तुम ध्यान देखना। और बाकी यार बाकी यही सारी चीज़ें होती हैं, और बाकी जो मैं चीज़ फॉलो करता हूँ जो मुझे सही लगते हैं, शायद आप कर सकते हो, क्योंकि देखो मेरे शायद यूट्यूब की वजह से मेरे को उतना टाइम नहीं लगता है, बट अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं ये चीज़ सबसे अच्छा करता हूँ कि नोट्स रेगुलर नोट्स बनाओ, जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, अटेंटिव रहो, क्लास में रहो, प्रेजेंट रहो, तुमसे कोई सवाल पूछ रहा है तो तुम अगर तुम्हें सवाल का जवाब आता है तो दो, नर्वस मत होना, पहली पहली चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं तो नर्वस हो जाते हैं और आंसर नहीं दे पाते, क्लास में कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते अपने टीचर के साथ, ये चीज़ मत करना यार, तुम क्वेश्चन करो, ठीक है, अपने क्वेश्चंस मतलब अटेंड करने की प्रॉपर, और सर अगर सर कुछ पूछ रहे हैं तो उनके आंखों में आ जाओ, इससे क्या होता है ना कि तुम्हारे अगर कहीं पे 8-10 नंबर या 5 नंबर होते ना तो वो तुम्हें एक सॉरी एक टीचर तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं, ये कि स्टूडेंट कितना अट्रैक्टिव करता है, कितना प्रेजेंट रहता है अपनी क्लास में और किस तरह के आंसर देता है, सो ये चीज़ ध्यान देना है कि नोट्स तो तुम साथ में बना रहे हो, साथ में आप अटेंटिव रहो क्लास में, ठीक है, रेगुलर क्लास जाओ, और रेगुलर क्लास जाने का तुम्हें फ़ायदा है कि तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, थोड़ा फर्स्ट ईयर में देखो प्रेशर होता है यार, सॉरी जो फर्स्ट ईयर है तुम्हारा वो 7-8 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा तुम्हें प्रेशर फील करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर होता है, फर्स्ट ईयर के बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी यार, अपना शेड्यूल बाकी सेम सारी चीज़ें हो जाएगी तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर थोड़ा टफ होता है और मोस्टली स्टूडेंट्स इसी चीज़ में घबरा जाते हैं, ठीक है, पढ़ नहीं पाते हैं या फिर उनको डर लगता है, कुछ नहीं यार, माइनर है, ठीक है, एक और दो दोनों में अच्छा स्कोर करो, कोशिश करो 30+ लाने की, ठीक है, 30+ ले आए तो तुम्हारा जो एंड सेमेस्टर एग्जाम है और अच्छा चल जाएगा, ठीक है, और जो चीज़ आपको नहीं मिलती है पूछो सर से, पूछ सकते हो, अगर नहीं मिलता नोट्स नोट्स करो, गूगल करो, एंड यूट्यूब पे सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, अपने फ्रेंड से पूछो अगर तुम्हें कोई डाउट है, फर्स्ट ईयर थोड़ा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी ईयर्स, तो बस बाकी यही होते हैं यार, जो भी स्टूडेंट प्रेशर कर रहे हैं, जो भी जिनको स्टूडेंट टेंशन है या प्रेशर से ले रहे हैं, प्रेशर लेने कोई बात नहीं यार, तुम बस रेगुलर स्टडीज नोट्स बनाओ, रेगुलर पढ़ो, और फिर भी कुछ पूछना होगा यार नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, और इन्जॉय करो अपने 4 ईयर की जर्नी, सो थैंक यू, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जस्ट मेरा मतलब मोटिवेट यही था कि आपको मैं ये चीज़ समझा सकूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, कुछ डाउट हो तो कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम हैंडल नीचे है, सो बाय बाय।